राउरकेला स्टील प्लांट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नवकिशोर दास जी, लोकसभा सांसद श्री ज्वाल उराम जी, अन्य गणमान अतिथिगण, देवी और सज्जनों, जिस प्रकार से भारत की विविधता में हम सब लोग रच बस गए हैं, कितना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से आज मैंने भाषा की विविधता को भी देखा। भाषा की विविधता में भी कितना आकर्षण है, कितनी सुंदरता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी मैंने देखा। उड़िया में बोल रहे थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे से भाषा की विविधताओं के बारे में या भाषा के ज्ञान में आप सबको ज़्यादा, आप सब मेरे से भी ज़्यादा है। आई कैन कम्युनिकेट एंड स्पीक ओनली इन इंग्लिश हिंदी, बट यू कैन डू सो इन थ्री लैंग्वेजेस, इन उड़िया हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दैट इज़ द ब्यूटी। देवी और सज्जनों, आपके इस शहर का नाम बहुत प्रभावित करने वाला है। स्थानीय सदरी भाषा में राउर केला का मतलब होता है राउर यानी आपका, केला यानी गांव, अर्थात आपका गांव। और ये कहने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। लोग मेरा गांव या मेरा शहर कह के तो गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन यदि जब कभी आप सब लोग उसे आपका गांव कह करके पुकारते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। अर्थात यदि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यदि आप कहेंगे कि आप राउरकेला आए हैं, अर्थात मैं अपने गांव में आया हूँ, तो कितनी बड़ी बात हो जाती। अतिथि के लिए अपनत्व जताने की ये अद्भुत शैली है, इसलिए मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए आज मैं राउरकेला यानी आपके गांव में उपस्थित हूँ। मुझे बताया गया है कि अब तक इस क्षेत्र में कोई सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लगभग 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना हम सबके सामने रखी थी। भारत सरकार से प्राप्त लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और सेल के संयुक्त प्रयास से आज यह उन्नत अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। NBCC इंडिया लिमिटेड ने इस आधुनिक अस्पताल का निर्माण लगभग 2 वर्ष में करके दिखाया है। इस उपलब्धि में तथा क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को संवारने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले सभी संगठनों और लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे बताया गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा संचालित इस अस्पताल से न केवल उड़ीसा की बल्कि पड़ोसी राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ की विशेषज्ञ चिकित्सा संबंधी आवश्यकता पूरी करने में भी मदद मिलेगी। मुझे यह भी बताया गया है कि यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक शोध कार्य होंगे। देवी और सज्जनों, उड़ीसा की धरती अपनी समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। सम्राट अशोक को इसी धरती पर अहिंसा के महत्व का भान हुआ था। उड़ीसा के वीरतापूर्ण इतिहास और महान विभूतियों की गाथाएं हम सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उड़िया भाषा सही मायने में शास्त्रीय भाषा का दर्जा रखती है। समृद्ध खनिज संसाधनों के रूप में
इस भूमि को प्रकृति का अनुपम वरदान प्राप्त है। इन संसाधनों के माध्यम से उड़ीसा न केवल विकास के नए नए सोपान तय कर रहा है, अपितु आत्मनिर्भरता की राह पर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। भारतीय गणतंत्र के आरंभिक वर्षों में यहीं राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में देश का बड़ा और पहला इस्पात संयंत्र राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से स्थापित किया गया था। औद्योगिक विकास के क्रम में इस प्लांट की भूमिका एक मजबूत आधारशिला की रही है। यह जरूरी है कि समग्र विकास के लिए औद्योगिक गतिविधि के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संरचना भी मजबूत होती रही, और मैंने ध्यान दिया है कि राउरकेला स्टील प्लांट यानी RSP अपने श्रमिकों, इंजीनियरों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहा है। RSP के द्वारा न केवल औद्योगिक गतिविधियों बल्कि हेल्थ केयर, शिक्षा, संस्कृति, खेल आदि के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने के सचेत प्रयास किए गए। आज राउरकेला की पहचान RSP, NIT और बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय BPUT से भी जानी जाती है। इन प्रयासों से स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के लोगों के जीवन और स्वास्थ्य में सुधार लाने के इन प्रयासों के लिए मैं सेल प्रबंधन को भी बधाई देता हूँ। देवी और सज्जनों, सुशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा हेल्थ केयर। मानव सभ्यता के विकास में दोनों का सर्वाधिक योगदान रहा है, लेकिन बीते वर्ष में हेल्थ केयर के महत्व की ओर दुनिया का ध्यान अधिक गया है। समूचे विश्व में सभी क्षेत्रों में COVID-19 महामारी ने अपना विकराल रूप दिखाया। यह दौर अभूतपूर्व चुनौतियों का, घोर संकट का और अकथनीय पीड़ा का रहा है। इस कठिन समय में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हमारे भाई बहनों ने कोरोना वायरस के रूप में हमलावर हुए एक अदृश्य और अज्ञात शत्रु के विरुद्ध असाधारण लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रशासक और स्वच्छता कर्मी अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों का जीवन बचाने के लिए जी जान से जुट गए। मुझे बताया गया है कि राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में सेल की चिकित्सा टीमों ने अथक प्रयास करके लोगों की प्राण रक्षा करने का सराहनीय काम किया। हेल्थ केयर कम्युनिटी द्वारा की गई निस्वार्थ सेवाओं और मानवता के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उन सब का ऋणी रहेगा। हम फार्मास्यूटिकल प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों के भी अत्यंत आभारी हैं। उनकी योग्यता, सृजनशीलता और अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही कोरोना वायरस से उत्पन्न विभीषिका से हमें छुटकारा मिल जाएगा। उनके दृढ़ प्रयासों से ही यह संभव हो सका है कि भारत में इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया है। इसके साथ ही भारत न केवल वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि हम अब अन्य देशों को निःशुल्क या बहुत कम मूल्य पर वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। यह विश्वव्यापी प्रयास हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को और आगे बढ़ा रहा है। देवी और सज्जनों, इस महामारी ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी दिए। एक सबक यह है कि एक राष्ट्र के रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार और इसे सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। हाल के समय में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी निवेश किया है, और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि अल्प सुविधा प्राप्त लोगों और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच बनाने के लिए हेल्थ केयर कवरेज का विस्तार किया जाए। ऐसी परिस्थिति में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। उदाहरण के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकती है। डॉक्टर के पास जाए बिना ही मरीज परामर्श प्राप्त कर सकता है।
खदानों के इलाकों और दूरदराज के स्थानों में रहने वाले मरीजों को स्मार्टफोन पर वीडियो परामर्श के माध्यम से समय पर राहत मिल सकती है। सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर तक लोगों की पहुंच में सुधार लाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े हेल्थ केयर इनिशिएटिव अर्थात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देवी और सज्जनों, उड़ीसा ने भारत को अनेक हॉकी खिलाड़ी दिए। यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रियो ओलंपिक 2016 की भारतीय महिला हॉकी टीम में उड़ीसा की 4 खिलाड़ी शामिल थी। इस प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 आयोजन 2014, 2017 और 2018 में हो चुके हैं। उड़ीसा ऐसा पहला प्रदेश है जो भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक रहा है। संभवतः इसीलिए वर्ष 2023 के मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए उड़ीसा का चयन किया गया। मुझे बताया गया है कि जल्दी ही राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि उड़ीसा के खिलाड़ी हॉकी में अपने प्रदर्शन को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थानीय इकाई राउरकेला स्टील प्लांट और पूरे सेल समुदाय द्वारा सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा और खेल के क्षेत्र में योगदान बढ़ाया जाता रहेगा। मैं एक बार पुनः इस आधुनिक चिकित्सा सुविधा से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। मैं आज इस सुअवसर पर इस प्रार्थना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। धन्यवाद। जय हिंद।